नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू व्हाट कार इंडिया चैनल, जहां हम लेके आते हैं वॉक अराउंड्स, रिव्यूज, कंपैरिजंस, माइलेज टेस्ट और क्विक न्यूज। इस हफ्ते बात करते हैं और नए इंटरेस्टिंग लॉन्चेस और ऑफर्स के बारे में। महिंद्रा ने हाल ही में अपनी तीन SUVs थार रॉक्स, XUV 3XO और XUV 400 को भारत एनकैप में भेजा था क्रैश टेस्टिंग के लिए, जिनके रिजल्ट्स अब आ गए हैं। थार रॉक्स को 5-स्टार रेटिंग्स मिले हैं अडल्ट एंड चाइल्ड ऑक्यूपेशन प्रोटेक्शन के लिए, एंड रॉक्स को हाईएस्ट पॉइंट मिले हैं अमंग ऑल आइस पावर्ड व्हीकल्स जो BNCAP द्वारा अभी तक टेस्ट किए गए हैं। साथ ही XUV 3XO और XUV 400 को भी 5-स्टार रेटिंग्स मिले हैं अडल्ट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए। इसी के साथ महिंद्रा थर्ड ब्रांड बन गई है आफ्टर टाटा मोटर्स एंड सिट्रॉन टू बी क्रैश टेस्टेड अंडर BNCAP। मारुति सुजुकी ने फोर्थ जेन डिजायर लॉन्च कर दी है 6.79 लाख रुपीज के इंट्रोडक्टरी प्राइस से। डिजायर के हायर वेरिएंट्स में सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स देखने मिलते हैं। इसे 5-स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स भी मिली है और ये 6 एयरबैग्स, ESP, हिल होल्ड असिस्ट और बहुत से सेफ्टी फीचर्स के साथ इक्विप्ड है। इसे 1.2 लीटर 3 सिलेंडर Z12V इंजन मिलता है दैट इज शेयर्ड विद स्विफ्ट और ये 5-स्पीड मैनुअल एंड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। साथ ही इसे CNG का ऑप्शन भी मिलता है। फेस्टिव सीजन अंत होने की तैयारी में है और इस बात को ध्यान में रखते हुए मारुति सुजुकी ने अपने नेक्सा लाइनअप पे कुछ मॉडल्स के डिस्काउंट्स बढ़ाए हैं। ग्रैंड विटारा को अब बेनिफिट्स अप टू 1.6 लाख रुपीस के मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन दी अवेबिलिटी। वहीं फ्रॉन्क्स को अप टू 93,000 तक के बेनिफिट मिलते हैं, बलिनो को अप टू 80,000, इग्निस को अप टू 73,000 रुपीज और CS को अप टू 55,000 रुपीज तक के भी डिस्काउंट्स मिलते हैं। टोयोटा ने लास्ट मंथ फेस्टिवल लिमिटेड एडिशंस लॉन्च किए थे फॉर ग्लांजा, टेजर एंड हाई राइडर विथ फ्री डीलर लेवल एक्सेसरीज, और अब ये एक्सेसरीज पैकेट टोयोटा इन मॉडल्स के लिए डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफर कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ ईयर एंड बेनिफिट। ग्लांजा के लिए ये एक्सेसरीज पैकेज अप्रॉक्सिमेटली 17,380 रुपीज में अवेलेबल है एज अपोज टू ओरिजिनल 20,570 रुपीज। सेम गोज फॉर टेजर जो अप्रॉक्सिमेटली 17,930 रुपीज में अवेलेबल है एज अपोज टू 20,160 रुपीज, और हाई रेडर के लिए ये पैकेज अप्रॉक्सिमेटली सेम 50,820 रुपीज कॉस्ट करती है। ये ऑफर्स 31 दिसंबर तक वैलिड है। होंडा ने अपनी नेक्स्ट जेन अमेज के स्केचेस लाइव कर दिए हैं और ये 4 दिसंबर को अनवेल होने वाली है। अमेज के फ्रंट एंड को देख के हमें एलिवेट की याद आती है विद दी हेडलाइट डिजाइन एंड हेक्सागोनल ग्रिल, लेकिन फॉग लैम्प सराउंड्स और सेंट्रल एयर डैम और रियर एंड में स्लीक हेडलैम्प डिजाइन और नंबर प्लेट हाउसिंग को देख कर हमें सिटी से इंस्पिरेशन दिखाई पड़ती है। वहीं इंटीरियर स्केच को देख कर हमें ये क्लियर हो जाता है कि डैशबोर्ड एलिवेट से इंस्पायर्ड है, जो कि फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन, HVAC कंट्रोल्स, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मल्टीफंक्शन स्टेयरिंग व्हील इंक्लूड करता है। BMW इंडिया ने अपडेटेड M340i लॉन्च कर दी है 74.9 लाख रुपीस में। M340i को सेम 374 हॉर्स पावर 3 लीटर 6 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन विद 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड असिस्ट पावर करता है और ये 0 टू 100 kph 4.4 सेकंड्स में कर सकती है, लेकिन इसे अडैप्टिव सस्पेंशन अब एज स्टैंडर्ड मिलता है। ऑन द इनसाइड इसे 14.9 इंच टच स्क्रीन और 12.3 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और एडिशनली AC वेंट्स के डिजाइन भी थोड़े से ट्वीक किए गए हैं। इसके अलावा फीचर्स, सेफ्टी और डिजाइन में और कोई चेंजेस नहीं है। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने AMG C63 SE परफॉर्मेंस लॉन्च कर दी है 1.95 करोड़ पे और ये ब्रांड की तीसरी प्लग इन हाइब्रिड कार है। C63 को 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है और ये 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ कपल्ड है। इस इंजन को एक रियर एक्सल माउंटेड मोटर के साथ पेयर किया गया है जो कि कंबाइंड सॉलिड 680 हॉर्स पावर और 1020 न्यूटन मीटर्स जनरेट करती है। C63 0 to 100 kph 3.4 सेकंड्स में कर सकती है। इसी के साथ इस सेडान को 6.1 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है जो 13 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक ओनली रेंज ऑफर करती है। इस सेडान को 12.3 इंच वर्टिकल टच स्क्रीन, हेड अप डिस्प्ले, बर्मेस्टर साउंड सिस्टम और बहुत से फीचर्स मिलते हैं। वहीं सेफ्टी फ्रंट पे इसे 7 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा और ADAS एस स्टैंडर्ड मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं टू व्हीलर सेक्शन की। कावासाकी ने निंजा ZX4RR को लॉन्च कर दिया है 9.42 लाख रुपीस में और ये ZX4R का एक हायर वेरिएंट है। इसे पावर करता है 399cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन जो कि एक काफी रेयर कॉम्बिनेशन है आज की मोटरसाइकिल मार्केट में। इसे एक नए कलर के साथ एडिशनली बाइडायरेक्शनल क्विक शिफ्टर और एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं ओवर द ZX4R जिसका ये हायर वेरियंट है।
KTM इंडिया में मोटोक्रॉस रेसिंग इकोसिस्टम एक्सपांड करना चाहते हैं, हेंस उन्होंने अपनी रेंज ऑफ डर्ट बाइक्स लॉन्च की है, जिनके प्राइजेस रेंज होते हैं 4.75 लाख रुपीस से फॉर द 50 SX और जाते हैं 12.96 लाख रुपीस तक फॉर द 350 EXE F के लिए। इसी के साथ KTM ने मिड साइज ADVs भी लॉन्च की है, द 890 ड्यूक आर एंड द 890 एडवेंचर आर, जो की प्राइज है 14.5 लाख रुपीस और 15.8 लाख रुपीस से रिस्पेक्टिवली। आगे बढ़ते हैं KTM 1290 सुपर एडवेंचर S के साथ, जो कि 22.74 लाख रुपीस से प्राइस की गई है। ये बाइक दोनों रगेड टेरेन्स और लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए डिजाइन की गई है और इसे अपडेटेड 1301 सीसी वी ट्विन इंजन मिलता है। इन सभी के साथ KTM ने 1390 सुपर ड्यूक आर को भी लॉन्च किया है 22.96 लाख रुपीस से, जो कि 1350 सीसी वी ट्विन इंजन के साथ आती है। इस हफ्ते के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।